दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर दिया। चुनावी साल में दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस मौके पर दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55% है, लेकिन फिर भी देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान दोगुने से ज्यादा हो चुका है। ये केजरीवाल सरकार की कामयाबी की निशानी है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए आतिशी ने कहा कि 2013 में जब हम राजनीति में आए थे, सरकारें आती जाती रहती थी, लेकिन लोगों के जिंदगी में सुधार नहीं होता था। इस वजह से आम आदमी का वोट से भरोसा उठ गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे वक्त में उम्मीद की किरण बनकर आए। एक आम परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तो इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था, बिल भरने के लिए जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था, वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। केजरीवाल सरकार की अपनी ही जुबान इतनी तारीफों के बाद ये जानना जरूरी है कि 76,000 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट में आखिर आम दिल्ली वालों के लिए क्या क्या खास है, महिलाओं के लिए क्या सौगात है, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलने वाला क्या लाभ है। केजरीवाल के बजट की इस बार खास सौगात मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली का शिक्षा बजट 16,396 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य के लिए दिल्ली के बजट में 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बजट में सरकारी अस्पतालों के लिए 6,215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक के लिए 212 करोड़ रुपए, सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों के लिए 658 करोड़ रुपए, नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए, पेंशनधारियों के लिए 2714 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास के साथ साथ SC ST और OBC कल्याण के लिए 6216 करोड़ रुपए, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट भाषण के दौरान आतिशी ने रामचरितमानस की पंक्ति पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली पर प्रभु राम की कृपा है, हम सब राम के जीवन से प्रेरित हैं, दिल्ली में राम राज के लिए काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि चुनावी सीजन वाले इस बजट को केजरीवाल सरकार ने राम राज्य वाले बजट का नाम दिया। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु सच राचर जग माही, काल करम सुभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। दिल्ली के वित्त मंत्री ने राम राज वाला बजट बताया तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। बोले, दिल्ली का राम राज्य वाला बजट तो बीजेपी ही पेश करेगी। 9-10 साल हो गया उनको बजट देते हुए और ये अंतिम बजट उनके द्वारा आ रहा है, और मैं बता दूं कि दिल्ली को राम राज्य का बजट भारतीय जनता पार्टी देगी। 2025 में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी जैसे भ्रष्टाचारी को हटाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी,
नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली की संपूर्ण चाबी सौंपी जाएगी और फिर राम राज्य का बजट भी आएगा, दिल्ली सबसे खुशहाल राजधानी बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। सियासी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन इस बजट की एक खास तस्वीर भी सामने आई। बजट पेश करने से पहले आतिशी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां से आशीर्वाद लेने पहुंची, उसके बाद सदन में दिल्ली का बजट पेश किया। Oh, 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 oh